Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. एक टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस नेता गौरव बल्लभ के बीच जमकर तानातानी हुई। बीच में टोकने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने संबित को जोकर बोला तो बीजेपी प्रवक्ता का कहना था कि राहुल गांधी सबसे बड़ा जोकर हैं। संबित का कहना था, आप नॉनस्टॉप दूसरे के बीच में चिल्लाते हैं। तानातानी इतनी बड़ी कि एंकर को दोनों को शांत कराने के लिए सामने आने पड़ा। एंकर के दखल के बाद गौरव बल्लभ शांत हो गए, लेकिन संबित पात्रा लगातार हमलावर रहे। राहुल गांधी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि जोकर कोलकाता कब आ रहा है। संबित ने उसके बाद भी इटली का नाम लेकर सोनिया राहुल पर कटाक्ष किया। शो के आखिर तक वह गौरव को ताना मारते रहे। उनका कहना था कि ये कांग्रेस के लोग बीच में बोलते हैं, अगर इनको टोका जाए तो ये गाली गलौज पर उतारू होने लग जाते हैं। आज तक के शो हल्ला बोल में दरअसल बंगाल चुनाव को लेकर बहस चल रही थी। गौरव ने जैसे ही बोलना शुरू किया, संबित ने बीच में बोलना शुरू कर दिया। उसी दौरान तीखी बहस शुरू हो गई। गौरव वल्लभ से एंकर ने सवाल किया था कि कांग्रेस के बड़े नेता बंगाल में आकर चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं, राहुल और दूसरे बड़े नेता बंगाल से दूरी क्यों बना रहे हैं जबकि चुनाव पीक पर पहुंच चुका है। गौरव वल्लभ ने कहा कि उनसे बीजेपी नेता रूपा गांगुली का दुख नहीं देखा जा रहा है। रूपा गांगुली का हिंदू कहा जाए, कहती हैं कि हिंदू कहा जाए। इस पर गौरव का सवाल था कि श्रीलंका और म्यांमार के हिंदू कहा जाए। असम के नेता बद्रुद्दीन अजमल के सवाल पर उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा कि आप लोग 2 साल पहले उनके साथ खड़े थे। उनका समर्थन लेकर बीजेपी के एक नेता राज्यसभा तक पहुंचे। कांग्रेस प्रवक्ता ने एंकर को गुवाहाटी में आकर हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया। असम को लेकर उनका कहना था कि बीजेपी यहां पर सीए का जिक्र क्यों नहीं करती, असम आते ही बीजेपी के मुंह में दही क्यों जम जाता है। उनका कहना था कि बीजेपी सीए को लेकर दोहरी राजनीति कर रही है। डिबेट में संघ के संगीत रागी और टीएमसी के रिजु दत्ता भी मौजूद रहे। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।